मुद्दमंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती, मैं तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता और यहाँ तो तीन तीन प्रश्न हैं। मैं सही बताता हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरे पास है ही नहीं। प्रश्नों का उत्तर तो साहेब जी देंगे, अलग से आके पूछ लेना। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, मैं तो देखता नहीं हूँ। और किसके आधार पर जन्म हो रहा है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज का हमारा जीवन खड़ा है, बस। अब जो लोग एक बात और बहुत अच्छी कह रहे थे कि जो जो पाप कर्म करते हैं, गलत खाते पीते हैं, वो क्या होता है, जल्दी मर जाता है। आप लोगों की भाषा में तो पुटले जो रंगे, तो बहुत जल्दी उनका शरीर का अंत हो जाता है। लेकिन जो धर्म कर्म करता है, साधना भजन में लगा रहता है, उसको अंत में तकलीफ ज़्यादा होती है। पूछना पड़ेगा ऐसा कैसे होता है, क्या पता किससे होता है। सहज क्या है, देखिए हर चीज आज ही देख करके निर्णय नहीं लिया जा सकता है। गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे, जब ट्रेनों में हम लोग चलते हैं तो भोजन का समय होता है, सभी लोग अपना सामान निकालते हैं खाने पीने का झोला से, कोई रोटी सब्जी खा रहा है, कोई पूड़ी खा रहा है, कोई फल खा रहा है, कोई और कुछ खा रहा है, देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि अभी तो लोग बनाए नहीं हैं, ट्रेन में बैठकर तो बनाए नहीं हैं, खा कैसे रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ये लोग बना के लाए हैं, उसी को खा रहे हैं। ऐसे ही अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है हमारे कर्मों का कि हमने अच्छा किया अच्छा नहीं किया, लेकिन जो मिल रहा है वह हमारा ही हिस्सा है। न जानते हो वो बात अलग है। एक संत ने कहा है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। क्या मिल रहा है, जो हमने बोया, जो हमने दिया, जो हमने किया, उसका परिणाम आज मिल रहा है। आगे क्या मिलेगा, आज जो करेंगे आगे मिलेगा। यदि आज लगता है कि मेरा जीवन दुखमय है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक संताप हो, चाहे पारिवारिक सामाजिक किसी प्रकार आप खुश नहीं हैं, दुखी हैं, तो आज ध्यान रखो कि कभी न कभी का तो परिणाम आज आया है। और भले मैं न जानता हूँ, तो क्या करना है, आगे ध्यान रखना है, अब सावधानी बरतनी है। मैं एक छोटी सी बात कभी कभी कहा करता हूँ, जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और सौदा खरीदते हैं, सौदा खरीदते हैं, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, फिर जाते हैं, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, ऐसा आप कई महीने से करते हैं, साल भी ज़्यादा हो गया। फिर एक दिन आपने सामान निकालने के लिए कहा, सामान निकाला उसने और टोटल करके बताया, भाई आपको इतना पेमेंट करना है। और जब आपने अपना पर्स निकाला, देखा अरे इसमें तो पैसे कम हैं, मान लो आपका 500 रुपया कम है, आप कहा आप क्या करूं, सामान भी ले जाना जरूरी है। दुकानदार आपकी दुविधा को देखा और कहता है, भाई साहब आप पैसे क्यों क्यों सोचते हो, इतने पुराने ग्राहक हैं, आप बाद में दे दीजिएगा, ले जाइए सामान, आप पर विश्वास किया, सामान लेकर चले गए।
फिर बहुत दिन बीत गए, फिर आए दुकान में, अब फिर सामान लिए, फिर पैसा दिए, चले गए। फिर बाद में आए, फिर सामान लिए, पैसा दिए, चले गए। दुकानदार ने संकोच किया कि पैसा हो सकता है ना हो, नहीं तो नहीं दे रहा है, याद नहीं दिलाया। ऐसा करते करते साल भर, 6 महीना साल भर हो गया। एक दिन दुकानदार के मन में आया, ऐसा तो नहीं कहीं भूल गया हो। उन्होंने कहा, भाई साहब आपका 500 रुपया पहले का बकाया है। नहीं, मैं तो सामान लेता हूँ और पैसा देता हूँ, सामान लेता हूँ और पैसा देता हूँ। भूल ही गया कि 500 रुपये का उधारी है, उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। भूल भले गया हो, चाहे अब उसका शरीर बूढ़ा हो गया हो, तो भी देना पड़ेगा। अच्छा, मन मर करके दूसरा जन्म लिए तब देना पड़ेगा? बताओ, अब तो फंस गए, सही है ना। आपको ही देना पड़ेगा, रूप बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि उसी दुकान में जाके देना है, क्या करना है, लेकिन देना तो है। एक बात पक्का मानो, हम जन्म के पहले कैसे थे, जन्म के बाद कैसे रहेंगे, इसको छोड़ ही दो, छोड़ ही दो, क्योंकि उसको जान कर भी आज कोई फायदा होने वाला नहीं है। मान लो आपको पता चला आप जन्म के पहले देश के प्रधानमंत्री थे, तो क्या करेंगे आप? या आप ओसामा बिन लादेन आप ही थे, अच्छा आप क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। किसी ने आकर कहा मरने के बाद तो आपको रो रो नरक होगा, अब क्या करेंगे? अभी से रोना शुरू कर देंगे? कुछ नहीं। क्या करेंगे? आज न अतीत महत्वपूर्ण है, न भविष्य महत्वपूर्ण है, न अतीत महत्वपूर्ण है, न भविष्य महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है वर्तमान, आज। गुरुदेव जी की एक पंक्ति है हृदय के गीत में, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। अब देखो, ये मच्छर आके मुझे काट रहा है, कुछ तो होगा हिसाब उसका पुराना। अब आप कहोगे, साहब आप तो साधु हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं, मच्छर क्यों काट रहा है? अब मैं किसको क्लेम करने जाऊं, किस थाना में जाऊं रिपोर्ट करने के लिए? अब बार बार हटा लो, देखो मेरे पास बार बार आता है ये, और काट करके फिर चला जाता है, ध्यान ही नहीं रहता कब काटा। ये मानना है हमको, एक चीज हमेशा मानकर चलो, जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, जो कुछ, यह मेरे ही कर्मों का परिणाम है, बस। ये जब स्वीकार भाव आएगा ना, और तब आप उद्वेगित नहीं होंगे, अब ये मानेंगे उस आदमी के नाते मैं परेशान हूं, उसने मुझे दुख दिया है, उसने मुझे मेरा अपमान किया है, तो क्या होगा? आप अकेले बैठ करके उनके लिए भीतर भीतर इतना नाराज रहेंगे, उसको अंदर अंदर से उनके प्रति कौन से विचार चलता रहेगा, मेरे साथ उसने वैसा क्यों किया, मैं उसको देख लूंगा, मैं बताऊंगा। अब हो सकता है उनको ये पता ही नहीं हो कि उनके कारण आप दुखी हैं, अगर आप क्या मार रहे हैं, वो आदमी ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, और वो ठीक होने वाले नहीं है। ये इतना पेचीदा मामला है, और इतना ये उलझन भरा है, ये और ये गलत भी है। क्या गलत है? कि दूसरे के नाते मैं दुखी हूं, दूसरे के नाते मैं दुखी हूं, दूसरे के नाते मैं सुखी हूं, ये जब तक मानते रहेंगे, राग और द्वेष से छुटकारा नहीं होगा। ये आप जाने, आप ये मानेंगे कि अमुक के नाते मैं दुखी हूं, उनके प्रति अमर्ष क्रोध का भाव जगेगा, और जब क्रोध को आप रिलीज नहीं कर पाएंगे ना, क्रोध को आप प्रकट नहीं कर देते हैं, और वो जब रुक जाता है, वही बन जाता है द्वेष। जैसे पानी, बारिश होती है और पानी बह जाता है, तो
तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बारिश हुई और गड्ढे में ठहर ही रह गया तो धीरे धीरे वो गड्ढे का पानी सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है। ऐसे ही है जो हमारा नाराजगी है, हमारी जो नाराजगी है वो तो बाहर निकल नहीं पाई, अब रुक गया, अंदर अंदर द्वेष बदले का भाव जग रहा है, बहुत नुकसान करता है। हमेशा ध्यान रखो इस चीज को, बहुत नुकसान करता है। तो द्वेष, और एक दूसरी मान्यता क्या है, अमुक आदमी से मुझे सुख मिलता है, अमुक आदमी से मैं मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, अमुक युवक से, अमुक युवती से, अमुक व्यक्ति से यदि वो मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे ही आपने माना सुख का आधार कोई दूसरा है, क्या घटना घटेगी, रागात्मक भाव, उसके प्रति राग का भाव जगेगा। जब तक हम ये मानते रहते हैं कि दुख और सुख देने वाला कोई दूसरा है, तब तक मन में राग और द्वेष के प्रवाह बहते रहते हैं, और राग और द्वेष जिसके भीतर हो वह आदमी सुखी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अपने ही चित्त को टटोलना है, कहाँ जाना है दूसरों को देखने के लिए। और ये पंक्ति हम लोग दोहराते भी रहते हैं, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सदगुरु कबीर की पंक्ति है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाय धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। और उसमें तो बड़े बड़े नाम लेते हैं, बड़े बड़े, गुरु वशिष्ठ मिनी लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ बियाही, पलयक संचन एक दीना। और क्या आया है, पार्वती, ये बहुत गजब की पंक्ति, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, पार्वती को बंध्या न कहा जाए। सदगुरु कहते हैं पार्वती को बंध्या कहना ही चाहिए, क्योंकि बंध्या थी ही। प्रश्न होता है कि स्वामी कार्तिकेय और गणेश उनके पुत्र थे, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा आपको जानना है तो कहाँ से पता चलेगा, उनके लिए है ब्रह्म वैवर्त पुराण, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं कैसे जाना, गुरुदेव जी ने लिखा है। अच्छा कहाँ लिखा है वो भी बता देता हूँ, बीजक व्याख्या और बीजक शिक्षा में पहली बार मैंने पढ़ा इस वाक्य को, आप पढ़ लीजिए खोज कर, खोल करके। सब हवाला दिए हैं कि किस अध्याय में कहाँ पर क्या है, क्या लिखा है, पार्वती ने पुण्यक व्रत किया फिर भी उसका कोख नहीं खुला, न स्वामी कार्तिकेय उनके गर्भ से पैदा हुए। और गणेश के बारे में सुने ही हो, गणेश कैसे उसको मैल से बना लिए, क्या हुआ, ये सब तो काल्पनिक कथा है। अब बताओ भोले बाबा का आराधना करके लोग तो पति चाहते हैं, महिलाएं खास करके पति चाहती हैं, पुत्र चाहते हैं, और वो भोले महाराज अपना ही बच्चा पैदा नहीं कर पाए, कैसे करोगे। अच्छा राम ही अब दशरथ के पुत्र हैं, कौन कहेगा बताओ, दशरथ स्वयं तो कह देते हैं। अच्छा पढ़ते हैं उसके हिसाब से कह रहा हूं, जो लिखा है उसके हिसाब से, खीर भोजन से, खीर भोजन से कहते हैं ना, वो कैसे हुआ, कहां से आया। 300 रानियां थी राजा दशरथ के, लेकिन एक कितना 350 कह रहे हैं भाई, 500 और बढ़ गए नहीं सर 50 और बढ़ गए, तो वो सही है तो होगा, लेकिन किसी से बच्चे नहीं हुए। क्यों, क्योंकि राजा दशरथ में ही कमी थी, और इसलिए तो उनको रानियों से बच्चे नहीं हो रहे थे, फिर उनको यज्ञ कराना पड़ा, फिर खीर निकला, ये बातें आती है। कौरव पांडव की बात देख लो, अब ये कथा बढ़ाने से क्या फायदा है, इतनी सी बात है कि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। और यह पंक्ति तो विश्व प्रसिद्ध है, कह लेना चाहिए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, याद है ना, आम कहाँ देखा है। आज हम दुखी हैं, चाहे अंत में दुखी हो, चाहे बीच में दुखी हो,
चाहे प्रारंभ में हो शरीर, कोई भी तकलीफ है तो क्या है, बीज हमारा बोया है, बीज हमारा बोया है। तो क्या करना है, क्योंकि अब हम पीछे जा करके सुधार नहीं कर सकते कि हम अब पिछले जन्म में जाएं और उसको करेक्ट करने लगे, संभव नहीं है। आज को ठीक कर सकते हैं और आज को बदल कर आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं, क्योंकि आप अब पीछे जा करके जीवन नहीं जिएंगे। कब जिएंगे? भविष्य में, क्योंकि जो भी भविष्य है वह वर्तमान होके गुजरेगा। भविष्य अभी आना बाकी है, भविष्य का आना बाकी है, तो वही तो जीना है आपको। जैसे ये फरवरी का की एक तारीख है, फरवरी की दूसरी तारीख आना बाकी है, तीसरी बाकी है, या फिर मार्च आना बाकी है, 2025 का आना बाकी है यदि जिंदा रहे तो क्या करना है वो ठीक हो। योग दर्शन का एक सूत्र है कि सूत्र आया है, भविष्य के बारे में बताया है कि आज ऐसा कर लो। हाँ, दुख अनागतम हेयम दुखम अनागतम, बहुत मुश्किल से फाइल खुला। हेयम दुखम अनागतम, ये छोटा सा सूत्र है। क्या कहते हैं वो, हेयम, हेयम माने त्याज्य, किसको, अनागत। आगत कहते हैं आए हुए को, अनागत कहते हैं जो आया हुआ नहीं है, जो आया हुआ नहीं है, जो दुख अभी आया नहीं है उसे क्या कर दो, त्याग कर दो। तो ऋषि का क्या कहना है, जो दुश्मन अभी आपके सामने आया नहीं उसको मार दो। अब कैसे होगा, जो है ही नहीं सामने। उनका कहने का भाव यही है कि आज जो करोगे वही तो आपको भविष्य मिलने वाला है। दुख कब आएगा, आगे दुख कैसे आएगा, आज जब गलती करोगे तभी तो दुख होगा ना। इसलिए आज यदि सही करोगे तो आपका भविष्य सही होता चला जाएगा। तो आगे दुख आएगा ही नहीं, कब, जब आप अपने वर्तमान को ठीक करने लगते हैं, ठीक करने लगते हैं। इसलिए वर्तमान हमारे हाथ में है, क्या करना है, ये ध्यान रखना है आज मैं कैसे जीऊं, मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा जीवन कैसे होगा यह हमारे हाथ में है। ऊपर कुर्सी है तो वो हमारे हाथ में है, आज तो निर्णय कर सकते हैं ना। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता आप जानते हैं क्या है, बताता हूं। मनुष्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है प्राणियों से वो एक है, क्या, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। आप अपने मन पसंद का रास्ता चुन सकते हैं, ये है। और ये भी बताऊं कि हर पल दो रास्ते हैं आपके सामने। जैसे ये सड़क, जैसे उस सड़क पर जाएंगे, सड़क तो एक है लेकिन दो दिशा है, हर पल दो दिशा है। आप किधर जाएंगे, सीधे जाएंगे या दाहिने मुड़ेंगे, और जैसे सीधे गए एक अलग दिशा में गए, अलग मंजिल, और जैसे दाहिने गए मंजिल बदलेगी हर समय। मैं बहुत पहले पारक में एक लेख लिखा था, तो दो रास्ते शीर्षक था, दो रास्ते, उसमें लिखा था कि एक युवक है जा रहा है और जाते देखा कि आगे जा करके रास्ता दो भागों में बट गया है। एक तरफ रास्ता देखा तो साफ सड़क, एकदम फाइन चिकनी सड़क, और दोनों तरफ हरियाली है, फूल है दोनों तरफ, और कुछ लोग तो स्वागत करने के लिए
वाद्य यंत्र लेकर के स्वागत के लिए खड़े हैं, बुला रहे हैं आइए। लेकिन तब आपकी वो नजर पड़ी उस एक बोर्ड था, उस बोर्ड में लिखा था यह रास्ता सत्यानाश की ओर ले जाता है। सड़क अच्छी, हरियाली दोनों तरफ, फूल, स्वागत करने वाले, लेकिन क्या लिखा था, यह रास्ता सत्यानाश की ओर ले जाता है। दूसरा रास्ता देखा, रास्ता उबड़ खाबड़, हरियाली का तो नाम नहीं, बिल्कुल स्वागत करने वाले की तो बातें नहीं है। लेकिन एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था यह रास्ता परम आनंद की ओर ले जाता है। अब वह युवक किधर गया? मैंने फिर उसमें लिखा, युवक की बात छोड़िए, आप यदि खड़े होते, आप और हम में से कोई खड़ा होता तो हम किस रास्ते में जाना पसंद करते? देखो इस समय कहना बहुत सरल है कि हम उस रास्ते में जाते जहां परम शांति वाला है, बहुत सरल है कहना। लेकिन जब सामने भोग हो, आकर्षण हो, और तब यह लगे मैं उबड़ खाबड़ रास्ता, अभी जो पसंद नहीं है उसमें चलूं, यही तो है। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। आप बाएं वाले रास्ते में चलेंगे या दाहिने वाले रास्ते में चलेंगे, आप पर निर्भर करता है हर समय। मैं सुबह से बताऊं, देखो जीवन को कैसे आप विभाजित करते, कैसे आप करते इसको समझे। जैसे सुबह हुई, अब सुबह हुई तो कितने बजे बिस्तर छोड़ना है ये निर्णय कौन करता है? कितने बजे छोड़ना है आप ही तो करते हैं। एक आदमी अपने दिन को बड़ा कर लेता है कब? जब जल्दी उठता है, जल्दी बिस्तर छोड़ता है। और एक आदमी दिन को छोटा बना लेता है क्योंकि देर में उठता है। लेकिन चुनाव किसने किया है? आपने किया है, उठने वाले ने किया है। लेकिन क्या जो देर से उठ रहा है थोड़ा पहले नहीं उठ सकता है? उठ सकता है, नहीं उठ सकता है। यदि वह 8 बजे बिस्तर छोड़ सकता है, यदि वो चाहे तो 6 बजे नहीं छोड़ सकता है। मान लो ट्रेन बैठना हो, रिजर्वेशन हो, और इतना अर्जेंट काम हो जिसको जाना ही जाना है आपको, या कहो आपके ससुराल में शादी है और पहुंचना है और ट्रेन का टाइम ये है, और आप तो 8 बजे बिस्तर छोड़ते हैं, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? उठेंगे कि नहीं उठेंगे? पहले उठेंगे। जब आप एक दिन निर्णय करके अपने टाइम को बदल सकते हैं तो और भी दिन तो बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं? हर समय आपके सामने दो विकल्प, एक आप देर से उठें, दूसरा क्या करें, दूसरा विकल्प है जल्दी उठ जाएं, थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएं। या तो फिर क्या करें, सुबह नींद खुल भी गई, उठ भी गए, अब या तो मोबाइल लेकर के फेसबुक और व्हाट्सएप में मतवाले हो जाएं, या फिर आप घर के काम में लग जाएं, या फिर मॉर्निंग वॉक में निकल जाएं, या फिर आप ध्यान में बैठ गए, या फिर कोई विद्यार्थी अध्ययन में बैठ गया। चुनाव है, कर सकता है। या तो अपने समय की बर्बादी, आजकल तो जब हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं कष्ट होता है बच्चों को देख करके, निकलते हैं बच्चे घर से बहुत कम, फिर निकलते हैं, लेकिन छोटे बड़े बच्चे निकलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, साथ में मोबाइल लेके निकलते हैं और कहीं बैठ करके मोबाइल सुनते रहेंगे, कोई कुछ करते रहेंगे, और सड़क पर बैठे रहेंगे और न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अब आपको अवसर मिला, आपने चुनाव भी किया सुबह जल्दी उठने का, लेकिन फिर से वो कचरा भीतर डालने वाला आपने रास्ता अपने साथ लेके गए, साथ लेके। न तो वहां पर पक्षियों की आवाज वो सुन पाता है, न वो सन्नाटा जो सुबह की एकदम वातावरण की निरवता शांत उसको महसूस ही नहीं कर पाता, क्योंकि वही आवाज, वही भीड़ जो आप घर में कर रहे थे बाहर जाकर के भी उसी में उलझे हुए हैं। कौन चुनाव कर रहा है? आप ही तो चुनाव कर रहे हैं। क्या मोबाइल को छोड़ना असंभव है? घर में छोड़ सकता है और सुबह उठ करके मस्त वॉकिंग कर सकता है, बढ़िया अपने आप में वो एक्सरसाइज कर सकता है, स्वास्थ्य लाभ ले सकता है, नहीं चुनाव करता है हर समय। मैं दूसरा उदाहरण दूं, एक आदमी सिगरेट जलाता है, या बीड़ी कहो, सिगरेट कहो, तंबाकू कहो, या शराब पीने वाला, तो क्या होता है,
जब जब आदमी सिगरेट या बीड़ी जलाता है, जब जब उसके सामने दो विकल्प होते हैं। एक क्या है, बीड़ी पिए, या फिर दूसरा विकल्प हमेशा मौजूद क्या, बीड़ी को फेंक दे। जब वो बीड़ी जलाता है तो क्या वो विकल्प मौजूद नहीं रहता है कि बीड़ी न पिए? बीड़ी न पीने का विकल्प हर समय मौजूद है। चुनाव किसका किया? बीड़ी पीने का। कितने समय से? लंबे समय से, लंबे समय से। हर बार विकल्प आए, पहली बार भी जब बीड़ी पिया होगा। अब बीड़ी को मैंने कहा ना, चाहे शराब की बात कहो, बीड़ी की बात, कोई भी गलत कदम उठाया होगा, उसके सामने एक विकल्प था, वह वैसा न करे। चुनाव किसका किया? गलत करने का। और फिर क्या हुआ? अच्छा, एक बार हो गया तो भी ठीक है, फिर भी फिर उसको दोहरा रहा है, और फिर वो आदत बन गई। अब क्या कह रहा है? छूटे नहीं छूटता है, क्या बताऊं, आदत बन गई है। किसने बनाई आदत? आप। लिख छोड़ना है तो आप ही हैं जो उसको छोड़ सकते। जैसे आपने शुरुआत की, वैसे ही आप उसे त्याग भी कर सकते हैं, ब्रेक भी दे सकते हैं। विकल्प आपके पास हर समय है। बोलते समय विकल्प है आपको, कटु बोलें, मीठा बोलें, आपके पास है। एक ढंग है बोलने का, किसी आदमी से आप कहते हैं आप बड़े बेवकूफ आदमी हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा ना कह के क्या कहा? आप भले इंसान हैं। क्या जो बेवकूफ आदमी कह रहा है, क्या वो यह नहीं कह सकता कि आप भले इंसान हैं? बोलने की क्षमता है आप में, उस क्षमता का, उस शक्ति का आप किस रूप में प्रयोग करते हैं? चुनाव कौन करता है? देखो, शब्द तो निकला बाहर, लेकिन शब्द कैसे निकालना, इसका चुनाव कहां से हुआ? भीतर से हुआ। आप अच्छा, अंदर में जो विचार करने वाला, सोचने वाला, चुनाव करने वाला कोई बाहर है? हमारे भीतर कौन चुनाव कर रहा है? सुबह जैसे आप लोग कभी आजकल शादी में जाते हैं कोई कार्यक्रम में, तो आजकल क्या होता है कि बुफे सिस्टम होता है और काउंटर लगा होता है, भोजन, कई प्रकार के भोजन रखे होते हैं, कई प्रकार के। आप ऐसा करने, अब बड़े बड़ी जगहों में, एक बार विवेक के साथ जाना हुआ था, एक कोई कार्यक्रम था, कार्यक्रम क्या था, एक जमीन का वो बताना था उन लोगों को। तो फिर गए और घूमने, वहाँ से ऐसा लगा था ऐसे चारों तरफ गोल घूम करके आ गए, बस जा रहे हैं, कुछ भी नहीं खाए, नहीं बस हो गया। तब कैसा, चलते चलते आइसक्रीम तो खा लीजिए। उस समय में आइसक्रीम कभी कभी कोई दिया तो खा लिया, अब तो वो भी नहीं खाता। मैंने कहा बस ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि साहब 400 आइटम होते हैं। कितना कहा? एक एक चम्मच भी खाओगे तो भी नहीं खा पाएंगे। चुनाव करते हैं ऐसी जगहों में जा करके कि कौन सा मेरा स्वास्थ्य के अनुकूल है और कौन मुझे पसंद है। चुनाव करते हैं, सबको नहीं। तो चुनाव जो आप करते हैं, हर पल आप चुनाव करते हैं। मैं कल एक किसी का फोन आया था, पता नहीं कोई शादी का थी या कोई था, तो फिर मैंने एक वाक्य कहा उनको कि हर मनुष्य हर पल अपने जीवन को बना रहा है, जीवन का निर्माण कर रहा है, अच्छा या बुरा। अंदर गया, फिर से कह रहा हूं, ख्याल करना। हर मनुष्य हर पल अपने जीवन का निर्माण कर रहा है, अच्छा या बुरा। आप जो सोच रहे हैं ना, वो आप जीवन बना रहे हैं। हमारे आश्रम में एक वाक्य लिखा है, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उस वाक्य को बहुत पसंद आया। मैंने कहा उसको एक चिपका देते हैं। आप प्रत्येक विचार आपका भविष्य बना रहा है, ध्यान दीजिए आप। बस चूक यही होती है, हम लोगों की चूक होती है, और उसी को ठीक करना बहुत जरूरी है। देखो, शब्दों को भी हम संभाल लेते हैं। यहाँ सब लोग बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं, उनके मुंह से कटु नहीं निकलेगा, गाली के शब्द निकालते ही नहीं होंगे, झूठ भी जरूरत नहीं पड़ती है बोलने की, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करते हैं। क्या जरूरत है इस बुढ़ापे में झूठ बोलने की, क्या जरूरत है? तो झूठ भी प्राय नहीं बोलते हैं,
और कटु कुठार नहीं बोलते हैं, गाली उनके मुंह से नहीं निकलती, तो शब्दों को तो संभाल भी लेते हैं, और चोरी करने की तो बात ही नहीं है, हिंसा चोरी व्यभिचार करने की, तो इससे तो बहुत कुछ बच जाते हैं। अंदर वाला बच जाता है, अंदर वाला बच जाता है। वो क्या लिखा उसने, कहा क्या, कौन सा वाक्य कहा, आपका प्रत्येक विचार भविष्य, आपका भविष्य बना रहा है, हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। सोचते कैसे हैं, बस यदि हम गलत सोच रहे हैं लगातार, तो हमारे जीवन में वो प्रकट होगा, प्रकट होगा। सोचना ही पहले होता है ना, सोच ही तो पहले होता है। जैसे यहां आना था, मुझे आना था, आप लोग को आना था, लेकिन आना है, जब अभी आ गए, आज तो आ गए, तो आने के पहले सोचे थे कि नहीं सोचे थे? आप में से कोई है जो ये कहे, यहां आने के बाद कहता है, अरे सोचा ही नहीं था कैसे आ गया, ऐसा कोई है कहने वाला? क्या कहेंगे, पहले विचार आया, पहले क्या आया, विचार आया, और विचार का क्रियान्वयन, जो विचार आया उसको आपने शब्दों में व्यक्त किया, अपनों से कहना शुरू किया, मैं शकरी सत्संग में जाऊंगा आश्रम के, थोड़ा मुंह से निकला, आप भी चलेंगे क्या? पहले कहां आया, भीतर, अब कहां गया, वहां तक के। तो उसने कहा हाँ चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए नहीं गए, चलें, अब क्या होगा, चल पड़े। पहले क्या, विचार, फिर शब्द में, फिर क्रिया में। तो शब्द और क्रिया तो सेकेंडरी है, बाद में है, शुरुआत कहां से हुई, बीज कहां है, विचार, यदि वही ठीक कर लिया गया तो, वही से उसको बदलाव कर दिया गया तो फिर ये बातें नहीं आएगी। यदि वो विचार, मान लो किसी आदमी को आपने चोरी करते पकड़ा, हिंसा करते पकड़ा, अनाचार करते आप लोगों ने पकड़ लिया, आप सोचो चोरी करने के पहले उसके मन में विचार आया होगा नहीं कि मैं चोरी करूं, आया होगा? यदि वो अंदर ही ये बदल लेता, नहीं ये गलत मुझे नहीं करना है, ऐसा बदल देता, तो क्या चोरी के काम होते? कौन बदलना आसान था, वो आसान था क्या कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ये बदलना कितना आसान था बताओ, बहुत आसान था, लेकिन ध्यान नहीं दिया उसको, ये विचार को, यदि वही खत्म कर देते। गुरुदेव जी कहा करते थे, जैसे फूल के पहले कली होती है छोटी सी, छत्तीसगढ़ डोहरू कहते हैं, डोहरू क्या कहते हैं, सही कह रहा हूं क्या? हाँ, यदि आप उसे तोड़ दिए, शुरू में तोड़ दिए, एक छोटा सा निकला, उसको फूल आएगा, अच्छा फल आएगा, फिर बीज बनेंगे? बिल्कुल नहीं। किसको तोड़ दिया, स्टार्ट, प्रारंभ को ही। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ये बच्चे जब बिगड़ते हैं ना, तो अचानक नहीं बिगड़ते हैं, उनकी भी शुरुआत छोटी होती है। यदि माता पिता और परिजन शुरू में थोड़ा ध्यान दे दें, कि जब उनके शब्द निकले एक बार गलत, बस ध्यान दो, इसके मुंह से ऐसा शब्द कैसे निकल रहा है, थोड़ा सा तपास करो और उनको हिदायत दे दो, फिर कभी आप, तुम्हारे मुंह से ऐसा शब्द निकला तो बस समझ लो फिर खैरियत नहीं है तुम्हारी, थोड़ा सा अपना भी रूप बदल करके कहो, वो भय हो जाएगा। और सचमुच फिर अभी उसने गलत शब्द दोहराया तो उनको कुछ तो सजा दो, कुछ तो सजा दो, लेकिन वो सजा उनको दुखी बनाने के लिए नहीं है, सुधार के लिए। वो हो सकता है वो छोटी सजा उनके जीवन का निर्माण कर दे, वो छोटी सी डांट जीवन को बना दे, और आपने ध्यान नहीं दिया और वो बड़ी हो गई, और वो बढ़ते बढ़ते न केवल शब्द गलत हुए, उनके कर्म भी गलत होने लग गए, फिर भी ध्यान नहीं दिए, और बहुत ज्यादा वो बढ़ गया। तब कहते क्या बताएं, बच्चा मेरा, मेरी तो बात ही नहीं मानता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, शराब पी लेता है, ये करता है, क्या कि क्रांति कर दो। यदि पता चले कि घर का कोई युवक कोई पी रहा है, स्ट्राइक कर दो, मत आओ घर में, जरूरत नहीं है तुम्हारी। वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था,
उन्होंने लिखा है कि एक बार मैं किसी बात को लेकर झूठ बोला, माँ को पता चला, माँ ने कहा मैं बिना बेटे के रहना पसंद करूंगा लेकिन झूठे बेटे की माँ नहीं बनना चाहती हूँ। और उन्होंने लिखा है कि तब से मैंने झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। कमाल की बात। एक और उदाहरण बताऊं मैं, सच्ची घटना। अभी मैं मध्य प्रदेश में गया था, नरसिंहपुर जिला में एक आश्रम है, शादी का रहती हैं दो, तो गया, कुछ लोग आए, वो उनके और भी फैमिली मेम्बर आए, सत्संग रखे थे, तो पहले ही बता चुकी थी कि साहब मेरी मौसी है, मौसी उसके ससुर किसी दूसरे पंथ के थे, उन्होंने एक संकल्प लिया कि यदि मेरे मुंह से गलत शब्द निकले तो जो दंड आप देना चाहेंगे तो मैं उसको भोगूंगा और जो जुर्माना लेना चाहोगे वो मैं दूंगा। क्या कहा? मेरे मुंह से यदि कभी भी गलत शब्द निकले और मैं बोलूं तो दंड और जुर्माना मैं दोनों को देने को तैयार हूं। उन्होंने बताया जीवन भर उनके मुंह से गलत शब्द निकला ही नहीं, इतनी शक्ति होती संकल्प में। फिर वो माता भी आई, कहे इन्हीं ससुर है साहब, जो उसको बता रही थी इन्हीं ससुर है। सोचो हम लेते हैं संकल्प, नहीं लेते हैं, तय नहीं करते हैं। जीवन में यू टर्न तब आता है जब आप कृत संकल्प लेते, जिसको तो ना भीष्म प्रतिज्ञा, नहीं करना है बस। और होते हैं ऐसे लोग भी मिले हैं जो सदगुरु के मिलने के पहले, सत्संग से जुड़ने के पहले वह सब कुछ गलत करता था, खाना पीना गलत, बोलना गलत, व्यवहार गलत, सब गलत। जैसे जुड़े एक दिल्ली के एक भगत हैं, अब नाम क्या बताऊं, आते ही रहते हैं। उन्होंने बताया मुझे पहली बार वहां आश्रम में गया और सुना गुरुदेव जी को, एक बार सुना, उसके पहले भी सुना था और संत ने भी कहा तो था, लेकिन जैसे गुरुदेव जी के दर्शन किया और सुना एक विचार, फिर क्या हुआ, जैसे बत्ती अंधेरा है और स्विच ऑन कर दो प्रकाश, उसी दिन से एकदम से खत्म कर दिया, कोई भी चीज मैंने नहीं ली, अद्भुत हो गया। मुझे पता है अयोध्या आश्रम में रहा करता था, तो एक कहा कि एक भगत आकर कहे साहब एक युवक है और घर शादी वादी नहीं किया है, भाई के साथ रहा करता है और अच्छा नहीं है उनके यहाँ, थोड़ा से परेशान रहता है, तो आप रख लेंगे क्या आश्रम में? मैंने कहा भेजो, देख लेते हैं कैसी स्थिति है उनकी। गुरुदेव अभी साहेब जी बाहर गए हैं, आएंगे तभी निर्णय लेंगे, लेकिन रहना चाहे तो आए। आए, बातचीत हुई, फिर वो करके दीवार किनारे गया और कुछ फेंका। मैंने कहा आया तो क्या फेंके? बीड़ी और माचिस रखा था, बीड़ी और माचिस को दीवार के उस पर फेंक दिए। आज तारीख तक उसने बीड़ी का प्रयोग ही नहीं किया। अभी वो साधु मार्गम है। किससे बदला? संकल्प से, निर्णय से। यदि हम बदलना चाहेंगे कौन रोकेगा? कौन रोकने वाला है? कोई है नहीं। यदि आप मीठा बोलने का संकल्प लें तो क्या आप पर जीएसटी का टैक्स लगेगा? बताओ। नहीं जी, ये बहुत विनम्र है और बड़ा मीठा बोलता है, इस पर टैक्स लगाओ। होने वाला है? नहीं। सोचो इस बात को। आप सद्गुणों को, आप धैर्यवान, धैर्य का विकास कर लेते हैं और किसी की गलती को क्षमा कर देते हैं, टैक्स लगेगा? कोई रोकेगा आपको क्षमा करने के लिए? कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन निर्णय क्या लेंगे? बदला लेने का, क्रोध करने का। हर बार जब जब आपने क्रोध किया, ये तो मैंने बीड़ी का उदाहरण दिया था, जब जब हमने क्रोध किया तो क्रोध करते समय भी एक विकल्प था। क्या था? क्रोध न करने का, नहीं था? अब थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा इस ढंग से बताऊं। आप जा रहे हैं कहीं और एक रास्ता, आप रात की बात, रात का मौसम, बिल्कुल रात है, अंधेरी रात है, आपके हाथ में एक टॉर्च है और चौराहे पर पहुंच गए और घना अंधकार है। आप पूरब तरफ जो सड़क जा रही है उधर आपने टॉर्च की रोशनी फोकस किया तो पूरब वाला रास्ता दिखाई दिया,
दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने उधर फोकस किया। तो इसका मतलब क्या वो उत्तर दक्षिण और पश्चिम में जो रास्ता है वो खत्म हो गया है, वहां पर खत्म हो गए हैं। वहां मौजूद है रास्ता अभी भी, लेकिन आपने फोकस किधर किया, पूरब। तो पूरब वाला रास्ता दिख रहा है। आप चाहें तो अपने टार्च को, अपनी टार्च को उत्तर की ओर घुमा सकते हैं, दक्षिण की ओर घुमा सकते हैं। वो रास्ता अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है, लेकिन आप घुमाना चाहते हैं। अच्छा, घुमाना असंभव है, नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही है। क्रोध कर सकते हैं आप, लेकिन आप क्षमा भी कर सकते हैं, मीठे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो विकल्प रहता है। चुनाव किसका करते हैं? क्रोध करने का। कितनी बार किए? अनेकों बार। और इसीलिए एक पैटर्न बन गया है, एक ट्रेड बन गया है। जैसे आपका खेत है, जोते हुए हैं, और आपने पानी को प्रवाहित करने के लिए कोई अभी कैनाल नहीं बनाया है, या एक नाली, जैसे कि आपको ऐसे खेत जोते हुए खेत से लेकर के अंतिम में क्यारी है, वहां सींचना है। और जब भी पानी आप वहां डालते हैं तो उसी नाली में तो पानी जाएगा। नाली किसने क्यों बनाया? नाली से ही पानी गुजरे। बस हर बार जितना आप पानी डालेंगे सब नाली से गुजरेगा। ऐसे ही है। क्या आपने अपने जीवन में कोई ट्रेक बनाया है? नहीं। किसका बनाया है? बनाया तो क्रोध का। जब भी आपके मन के प्रतिकूल कोई घटना घटी तो नाली तो पहले से बनी हुई है, किसमें आता? बस उसी में बह जाता है, क्रोध वाले ट्रेक पर। क्या ये असंभव है बदलना? मैं सच बताऊं ना, हम सभी, मैं भी और हम सभी जीवन को बदलना ही नहीं चाहते हैं। सच तो ये है। आप कहेंगे मैं बदलना चाहता हूं। अच्छा, मैं पूछता हूं, कौन रोक रहा है? देवी देवता रोक रहे हैं? मोदी जी रोक रहे हैं? विष्णुदेव जी रोक रहे हैं? सरपंच रोकते हैं? अच्छा, घर वाले रोकते हैं कि मीठा मत बोलो, धैर्यवान मत बनो, गिलती को क्षमा मत करो, रोकते हैं कोई? कौन रोक रहा है? मैं बताऊं? सब जानते हैं। आप एक काम करना, दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाना, और जो दर्पण में दिखाई देना बस वही आदमी रोक रहा है, और दूसरा नहीं रोक रहा है, वही रोक रहा है। हम खुद और कोई दूसरा नहीं है। आप सुखी क्यों नहीं है बताओ? आप समृद्ध क्यों नहीं है? स्वस्थ क्यों नहीं है? प्रेम क्यों नहीं है आपस में? कौन जिम्मेदार? किसको जिम्मेदार? आकाश को जिम्मेदार? सूर्य को जिम्मेदार? प्रकृति को जिम्मेदार? देवी देवताओं को जिम्मेदार? ये दूसरों को दोष देते देते तो जीवन का इतना समय बीत गया। अब से तो सुधार कर लें, अब से सुधरें, अब से। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलतियों का पिटारा लेकर चल रहे हैं, क्षमा करें, ऐसा नहीं है। गलतियों का पिटारा लेकर नहीं चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी वर्तमान में जो हमारा जीवन का स्तर है, क्या उससे बेहतर नहीं चाहते हैं? मैं इस ढंग से कह रहा हूं आप, क्या इससे और बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं? आपका जो स्वास्थ्य है, इसको और बेहतर स्वास्थ्य नहीं बनाना चाहते हैं? चाहते हैं। जो आपके संबंध है परिवार में, रिश्तों में, क्या उन संबंधों को और अधिक मधुर नहीं बनाना चाहते हैं, और प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं? चाहते हैं। जो कुछ धन है उसको और बढ़ाना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। और मन, मान लो आपका बढ़िया है तो उसको और गहरी शांति का अनुभव करे, ये नहीं चाहते हैं? मेरा मतलब है, जीवन के स्तर को सभी बेहतर बनाना चाहते हैं। कोई तो नहीं रोक रहा है, बनाओ, करो, काम होगा। इसलिए चुनाव पर मैं कह रहा था, हर क्षण तो चुनाव कर रहे हैं आप, यह करें यह ना करें, यह करें यह बोलें यह ना बोलें, सही चुनाव करना शुरू करो। हर समय चुनाव, कोई भी कोई गाली दिया, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, बस एक एक तरफ हुआ ना, अभी एक तरफ, अभी एक ही तरफ हुआ है, अब आप वाला हिस्सा बाकी है। क्या कहा? किसी ने गाली दी लेकिन अभी आप वाला हिस्सा बाकी है, अब आप क्या करने वाले हैं? क्या गाली कुत्तर गाली, या गाली कुत्तर शांत, या मीठे शब्द? ये आपका चुनाव,
आपका चुनाव है और रिजल्ट उन्हीं से आएगा। आपके चुनाव से रिजल्ट, गाली देने से रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा जब उसका उत्तर आप अपने ढंग से देंगे। उत्तर कैसे देंगे, बस ये आएगा उत्तर। इसलिए महत्वपूर्ण आप और हम अपने जीवन के लिए हैं, ये निर्णय लेना है। तो यदि जीवन पर ध्यान दिया जाए, किस पर, शुरू से बता रहा हूं फिर से, विचारों पर ध्यान दिया जाए, शब्दों पर ध्यान दिया जाए, कार्यों पर ध्यान दिया जाए, और जहां आप ध्यान देते हैं ना, वही विकास होता है, वही सुंदर होता है। कितनी बार ये उदाहरण मैंने दिया है, मान लो आपके खेत हैं, कई खेत हैं, मान लो आपके पास पे 10 खेत हैं अलग अलग, और 10 खेत में से आप केवल 5 खेतों पर विशेष ध्यान देते हैं। सिंचाई के समय ध्यान देते हैं, निराई के समय पूरा ध्यान देते हैं, खाद देने के समय ध्यान देते हैं, रखवाली करते समय ध्यान देते हैं, दवाई के लिए ध्यान देते, सब कुछ में ध्यान देते हैं 5 खेतों को, और 5 खेत और हैं उसको उनके हाल पर छोड़ देते हैं, चाहे जैसा हो। बस किस खेत में फसल अच्छी होगी, जिस पर आप ध्यान देते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं। आपके घर में 4-5 बच्चे हैं, आपने 3 बच्चों पर विशेष ध्यान दिया, उनके खान पान पर, पढ़ाई लिखाई पर, पहनने ओढ़ने पर, स्वास्थ्य पर, सब पर ध्यान दिया, तो विकास किस बच्चे का अच्छा होगा। और जिस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिए, उन बच्चों को, जो बच्चे बच्चों को, चाहे जब उठे, चाहे जब सोए, चाहे जो खाए ना खाए, पढ़े ना पढ़े, बीमार रहे, चाहे जो हो, कोई ध्यान नहीं दिए, किन बच्चों का विकास होगा, जिस पर आप ध्यान देते हैं। समझ रहे हैं ना, जिस पर ध्यान देते हैं और ध्यान दिए, बढ़िया होने लग गया। इसी प्रकार जीवन के जिन हिस्सों पर ध्यान देते हैं आप, वो अच्छा होता चला जाता है। क्या हमने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया? यदि जिसने भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा और उस ढंग से खान पान और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, तो स्वास्थ्य सुधरता चला जाएगा। क्या संबंधों पर ध्यान दिए? कभी कभी कोई मौन हो गया है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी ख्याल किए, अच्छा क्यों ऐसा बोल रही है, अच्छा बहू ऐसा क्यों बोल रही है, बहू चुपचाप क्यों है, उदास और खिन्न क्यों है, सास की ऐसी दशा क्यों है, बच्चे की ऐसी क्यों है, क्या बात है? ध्यान दिए? नहीं दिया गया। और वो बढ़ते 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 इतना विकृत हो गया, बस विस्फोट निकलता है। फिर वो जब शब्द इतने कड़वे निकलने लग गए हैं, अचानक नहीं हुई कड़वाहट, कहीं तो है शुरुआत में, कहीं तो है। आप उसको एक ध्यान दे देते शुरुआत में ही। किसी ने कहा है, भयंकर लगी हुई आग, एक समय ऐसा था जब आप आधे गिलास पानी से उसे बुझा सकते थे। एक छोटी सी चिंगारी तो हुई शुरुआत में, और चिंगारी को बुझाना कितना सरल था, और जब दावा नल, पूरी गांव में आग धधक गई है, फायर ब्रिगेड भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही है शुरुआत में। तो फिर क्या है, यदि हम ध्यान दे दें, अब से ही सही ध्यान दे दें, जो बीत गया उसको खत्म कर दो, आज मैं ध्यान दूं, तब देखो स्वास्थ्य पर ध्यान दो, संबंधों पर ध्यान देना शुरू कर दो, और संबंधों को सुधारने के पहले खुद को सुधरना पड़ेगा, ये ध्यान दो। आप ये अपेक्षा मत करिए कि वो सुधरेंगे, आप पत्नी को सुधारने में, पति को सुधारने में, सास और बहू को सुधारने में लगेंगे, गड़बड़ शुरू हो गए फिर से। आप बेस्ट क्या कर सकते हैं अपने स्तर से, वहां से शुरू करो। आप कितनी विनम्रता और शालीनता से सामने वाले को समझा सकते हैं, कन्विंस उनसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे समझौता से आप कर सकते हैं। आप समझौता करने गए और आप उद्वेगित हो गए, उत्तेजित हो गए, खत्म। वो उद्वेगित हो सकता है, आप लीडरशिप में हैं, आप शांत, कोई बात नहीं, अभी वो ना समझ है, लेकिन आपने सोच समझ कर गया, मुझे शांत रहना है। देखो जरा से बदलता चला जाएगा घर का वातावरण, कैसे नहीं बदलेगा, लेकिन पहल ही नहीं करते। अच्छा पहल भी करते तो नाराज होकर करते हैं, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप धन पर ध्यान देना शुरू करो, क्यों मैं गरीब बना हुआ हूं, मेरे खर्चे कैसे हो रहे हैं, क्या मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ, शक्ति करने का ढंग को,
क्योंकि जो आपके पास में है उतने में ही लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। जो आपके पास नॉलेज है, अच्छा नहीं जानते तो नॉलेज बढ़ा लो, आप ट्रेनिंग ले लो कहीं पर और अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लो, अपनी और कुछ ढंग को बढ़ाओ। कुछ तो है जो लोग अच्छा कर रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा चुके हैं, आप क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? ध्यान दो, बढ़ा ले जाएंगे। इसी प्रकार मानसिक शांति, मन अशांत रहता है, तनाव में रहता है, टेंशन खाते हैं ना, टेंशन में रहता है, बेचैनी, नींद नहीं आती। ध्यान दिए, क्यों नहीं आ रही है? ध्यान दो मन की शांति के लिए, तो मन की शांति अच्छी होती चली जाएगी। सब कुछ ध्यान जैसे देंगे, इसलिए अपने जीवन पर ध्यान दे, और उस पर भी ध्यान दे जो आप सोचते हैं, उस पर भी ध्यान दे जो आप बोलते हैं। जिस दिन आप बोलने पर ध्यान देंगे, कटु निकलेगा, ध्यान ही नहीं देते हैं, बस निकाल देते हैं भड़बड़ भड़बड़। सभ्यता सीखो, घर में बहू है, बेटी है, माँ है, ऐसे शब्द कैसे निकाल सकते हो? कहीं भी हो, न भी हो तो फिर ऐसे शब्द निकले ही क्यों? सबसे बड़ी बात तो यही है, ऐसे शब्द निकले ही क्यों? निर्णय ले लो, नहीं मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले, मेरा अपना लेवल है, स्तर है, मुझे ऐसा नहीं बोलना है। देखो जैसे ध्यान दोगे शब्दों में सुधार हो जाएगा, और हम सभी, तो आप जब सुधर जाएंगे तो आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी होने लग जाएगी, आपके पास लोग आकर के बैठना पसंद करेंगे, उनके पास बैठेंगे, कुछ अच्छी बात सुनेंगे। संतों के पास क्यों जाते हैं? गुरुदेव जी के पास क्यों आते थे? केवल बैठ करके राहत महसूस करते, बस आए। बिहार में था एक लड़का, ने कहा साहब आप किस समय ध्यान करते? मैंने कहा सुबह जब मैं घूम के आता हूँ, स्नान करता हूँ, फिर ध्यान में बैठता हूँ, बस उसी समय मैं भी आऊँगा। कक्षा खोल दिया, बैठे, मैं भी बैठा हूँ ध्यान, वो भी, एक शब्द कुछ नहीं। ध्यान खत्म हुआ, उठ कर चले गए, मैं अपने में रहा। उनका मन हुआ कि मैं वहाँ चल के ध्यान करूँ, मैंने क्या दिया? कुछ नहीं, लेकिन उनको क्या लगा? वहाँ बैठ करके ध्यान करूँ। गुरुदेव जी के पास हम लोग केवल बैठते थे, बस बस उनके देख लेते थे ना, दर्शन हो गए बस, क्योंकि वहां से जो किरणें निकल रही थी ना, जो प्रवाह आ रहा था ना वहां से, या आता था, वो बहुत शांतिदायक। ये तो अच्छा, मैं थोड़ी सब महसूस किए हैं, यहाँ बैठे लोग हैं, कितने लोग बैठे लोग महसूस कर रहे हैं उस चीज को, कि उनके समीप जाने से कैसा लगता था, वहां से जो आता था ना प्रवाह, जो आता था वो शीतल कर देता था। मैं ये कह रहा था कि आप जब अपने भीतर में पवित्रता को बढ़ाएंगे, निर्मलता को बढ़ाएंगे आप अपने भीतर में, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा, औरों को भी अच्छा लगेगा। अंदर आग भरी है, अंगारा बरस रहे हैं, चाहे शब्दों से, चाहे आंखों से, चाहे आपके क्रियाकलाप से, बस मनोभाव ही एकदम प्रदूषित है, एकदम विकृत है, क्या निकलेगा? उसे ठीक करो बस। इसलिए अंदर की विकृति को मिटाएं, अंदर पवित्रता को बढ़ाएं। वो तो गया टाइम, कब से खींच रहा हूं, कहां गए आगे झक लो। सब लोग कहते होंगे साहब डोकरी पुराण शुरू कर दे, बंदे नहीं कर रहे थे, मैं चाहते हूँ कि साहब आ जाते। हाँ गए, तो बस मेरी बातें पूरी हो गई है। बहुत अच्छा लगा ये बात जान करके कि मासिक सत्संग प्रारंभ किए हैं सूरत श्री कबीर पारख आश्रम में, वर्षों से 15 साल तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना, ज्यादा ही हो गए होगा, 15-17 साल हो गए। प्रथम रविवार को इसी प्रकार सत्संग रखते हैं, प्रत्येक रविवार को होता है, हर रविवार को सत्संग होता है, थोड़े लोग आते हैं, लेकिन पहले रविवार को जैसे आप लोग आए हैं वैसे आ जाते हैं। सबके लिए भोजन भंडार की व्यवस्था रहती है, खाते हैं, लोग कहते हैं भंडारा देंगे, दे लो, अच्छा नहीं देने वाले हम तैयार, हम तो है ना, क्योंकि भक्तों ने इतना दिया है, क्या बताऊं, इतना कृतज्ञता ज्ञापित भक्तों के लिए कि इतना देते हैं कि हम खा करके कई जन्म लेंगे तो चुकने वाला नहीं है, और कपड़े इतने देते हैं कि
कि आज से कपड़ा देना बंद कर दे। खैर कपड़े अलग चले गए, इतने कपड़े देते हैं कि जो जीवन भर पहनते रहे और इतना बड़ा मकान बना दिए हैं। हम का 100-150 लोग रहते हैं, पर्याप्त तो हो जाता है रहने के लिए, तो कर देते हैं, हो जाता है भंडारा, आते हैं लोग और जिनको जितना लाभ लेना होता है। तो ये सुना कि यहाँ भी शुरू है, नया पारा कबीर आश्रम में भी शुरू है, और भी ये प्रवाह अच्छा है, क्योंकि आश्रम का होना, आश्रम का जिंदा होने का प्रमाण है ये, सही है ना। आश्रम जीवंत है, क्या प्रमाण है, संत आते हैं, भगत आते हैं, सत्संग का आयोजन होता है, साधना होती है, और यहाँ आकर के राहत महसूस करते हैं। देखो ये दीवार देखने भगत नहीं आते, सच तो ये है, ये जमीन देखने नहीं आते, ये ऐश्वर्य देखने नहीं आते। अरे साहब बहुत बड़ा मकान बना ले, चलो देखें तो, जमीन खरीद लें देखें तो, अरे उन्हीं के यहाँ कितनी जमीन पड़ी हुई है, जमीन को देखने कौन आएगा। यहाँ आकर के उन्हें राहत महसूस होती है, कुछ दिशा निर्देश जीवन के लिए पाते हैं, और कहीं महीने में भी एक बार अवसर निकाल सके एक बार तो भी आप रिचार्ज हो जाते हैं। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आप लोग ये सत्संग में आए हैं, आने वाले महीनों में भी आप आते रहें, कभी कभी आप नहीं भी आ पाएंगे, ये भी सच है, सबकी अपनी व्यवस्था होती है, दूर से सब लोग आ नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं है, जब हो, जब जिनको अवसर मिले, इस रविवार में नहीं अगले में जाएंगे, अच्छा अगले में जाएंगे, अवसर तो है, अच्छा सत्संग ही नहीं होता तब क्या होते, बातें नहीं है, लेकिन एक निमित्त बना जाने का, मिलने का। तो ये साहब के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और ये जो शुरुआत किए आश्रम में, शुरुआत करें, और आप सभी का ये सहयोग मिला, ये प्रवाह बना, और ये बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सबको साहेब बंदगी साहेब।